अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी भी तबीयत ठीक है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा कि आई वॉज़ नॉट वेल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। तो फीवर हुआ था वायरल वाला, अब आज काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आज, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज करके बोला था कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है अभी तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मुझे ज़्यादा फीवर तो नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे बड़ा लेज़ी फील हो रहा है और ठंड भी लग रही थी, इसलिए फ़ैन ऑफ कर दिया है। आप लोग फैन ऑफ करके सो रहे हो या अभी भी ऑन करके ही सोते हो, या फिर फैन ऑन करके ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो? मैंने बोला तो था कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। और आज शाम को मुझे जाना है फंक्शन में एक जगह, तो ये इयररिंग्स निकाले पहनने को और हाथ से गिरा दिया और एक इयररिंग का 3-4 स्टोन्स गिर गए, और लकली वहीं पे पड़े हुए मिल भी गए, तो मैंने उसको जोड़ लिया, स्टिक कर लिया। और फिर आज का जो ड्रेस मैंने पहनना था वो, उसकी रील भी मैंने शूट करी थी, काफ़ी टाइम उसमें लगा था, और रील ऑलरेडी मैंने कल रात में पोस्ट कर दी थी इंस्टाग्राम पे, अगर आपको देखना हो तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। आ गए हैं हम नीचे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि किड भी आया हुआ है, और ये देखो इरबाज बैठे हैं पेडिक्योर करवाने के लिए, इनका पेडिक्योर सेशन चल रहा है। थक गए क्या टीवी देखते देखते? गोदी में लेटोगे क्या? गोदी में लेटोगे? आओ ले ले, ले ले। स्किन में जाएगा ऐसे करके, आप चिपका लीजिएगा स्किन से, और ये से पानी लेके पूरा डीप कर लीजिएगा, मतलब ऐसे। हाँ ये व्हाइट वाला ऊपर आएगा, व्हाइट ऊपर आएगा, और लगा उंगली से पानी लेते जाएगा, ऐसे पकड़ के खूब अच्छे से इसको डीप कर लीजिएगा, पूरा गीला हो जाए, गीला हो के चिपक हाँ। सेट हो जाए, फिर जब आपको लगे कि फुल ड्राई हो गया एकदम पापड़ के जैसे, तो आराम से इसे निकालिए। आपके नोज पे है ब्लैक हेड। यहाँ पे सब लोग अपना अपना क्लीन अप करवा रहे हैं, और फिर हम लोग ने ले लिए हैं उनसे नोज स्ट्रिप्स। हम और हिबा आइसक्रीम खा रहे हैं, हम लोग के जस्ट नेबर वाला घर है वहाँ पे ये फंक्शन है। दिस इज मी ट्राइंग टू फ्लॉन्ट माई सैंडल्स। वापस, और अभी मैंने अबाया नहीं उतारा है क्योंकि ये हमें बहुत पसंद है, मेरा मन नहीं करता ये उतारने का। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी वीडियोस में ये वाला, तो कैसा है, अच्छा है ना? तो मिरर भी नहीं साफ है, पसीना इतना आ रहा है कि मेकअप सारा मेल्ट हो रहा है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेकअप कहाँ करा, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। पहले अबाया उतार देते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको अपनी ड्रेस। उतारे अबाया कि ना उतारे, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला अबाया। अब मम्मी ने चला दिया है फैन,
और मेरी वीडियो में आएगी आवाज गर 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 गर, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से क्रिंकल हो गया है पूरा, क्योंकि वहां पे फ्लोर सीटिंग थी। और ये वाला ड्रेस मैंने पहली बार आज पहना था और मैं सही से दिखा भी नहीं पाई, फ्लॉन्ट नहीं कर पाई इसको अच्छे से। और पता नहीं क्यों अब हमें लग रहा है कि इसका जंपर थोड़ा ऊंचा ऊंचा लग रहा है। और ये तो हम बताना ही भूल गए आप लोगों को कि ये वाले सूट की मैचिंग के लिए कुछ ना स्लीपर थी मेरे पास सिल्वर में, ना वाइट में, और ना ही मेरे पास पर्स था। तो मैंने ये देखो क्या किया है, ये देखो मैंने पहन ली है ब्लैक। हटोगे हटोगे, मेरे भी तो ब्लैक पैंट है वो दिखा दो। अच्छा मैंने ले लिया है ये मैंने ले लिया है ये देखो मैचिंग की, मैचिंग का पर्स और मेरी सैंडल, सी मैचिंग 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 सी। वैसे मैं एक रास की बात भी अब बता दूं, ये सैंडल मम्मी की है मेरी नहीं है। बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अब मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, ओवर हो रहा है ओवर ओवर। लेकिन यार नए कपड़े पहन के थोड़ी देर तो फ्लॉन्ट करने का मन करता ही है ना। आप लोग भी ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? ये हम तो करते हैं। मेरी फैमिली कितना बोलती है पीछे फिजूल की बातें, जब व्लॉग बन रहा होगा तो ज्यादा बातें इन लोग को याद आती हैं। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। चलो रात के 9:15 बज चुके हैं, तो अब कपड़े चेंज कर ही लेने चाहिए और आराम करना चाहिए। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है। हम जा रहे हैं मम्मी के साथ मार्केट, कई सारे काम हैं और एक तो रिटर्न का ही काम है, एक ड्रेस रिटर्न करना है। रुको मैं दिखाती हूँ अभी आपको वाला ड्रेस, दूसरे रूम में है। देखो ये ड्रेस है, ये पसंद करके जब लाए थे तब नहीं देखा था, घर आने के बाद देखा है कि ये जो पेड़ बना है उसके ऊपर 2 बर्ड्स बैठी हैं। तो हम लोग तो मतलब कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो ऐसे फिगर वाले ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, तो इसको जाना है रिटर्न करने, रिटर्न क्या एक्सचेंज करने। तो आ गए हैं आप पे दूसरा ड्रेस लेने। ये वाला काम करके फिर हम लोग आ गए थे जेड स्क्वायर खिज़र के लिए ड्रेस लेना था। उसका ड्रेस मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन मंगवा लिया था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, इसलिए अब वो रिटर्न कर दिया है और यहाँ से लेने के लिए आ गए। तो सारा काम हो गया है, सारी शॉपिंग हो गई है, नाउ वी आर गोइंग बैक होम। और ये सब बताने के लिए मेरी आवाज़ आज सही से निकल भी नहीं रही है।
आज की शाम तो जैसा लग रहा है सर्दियों वाली शाम है कि सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। अभी 5 बजा है। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये वाला रास्ता देख के कि ये है परेड, और मैं जा रही हूँ अपने घर वापस यहाँ से। घर आके और कुछ तो शूट नहीं करा है, लेकिन ये मेरे पार्सल आए थे आज 3, कितना भारी है ये वाला, तो ये खोलने हैं। अब क्या करें, अभी खोलें कि कल खोलें? कल ही खोलेंगे, अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना आप लोग। ओके, ये ड्रेस लिया है मम्मी ने खेस्ट के लिए, ट्राउजर्स विद अ स्वेटर। तो ये अलग अलग था, इसको कंबाइन करके लिया है, सेट बन गया। ये सब जो मम्मी को लेके जाना होगा कल फंक्शन में गिफ्ट्स, वो सब हमने सेटल करके पैकेट्स बना के रख दिए हैं। बाकी जो कुछ समेटना था, टेलर के यहाँ से कपड़े वपड़े आए थे, वो सब भी रख दिए। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि ये पार्सल्स भी अभी ओपन कर लें। पहले ही बता दे रहे हैं इसमें सब स्किन केयर और मेकअप वाली चीज़ें हैं। अभी पहले मैं दवा खा लेती हूँ, मेरी एक ना दवाई बची है, पहले ये फिनिश कर लें। ये तो मैं नहीं पीने वाली, बस ये खा लें फिर मैं ओपन करती हूँ। ओके, 2 मिनट और वेट कर लो आप लोग। चलो नाउ लेट्स ओपन वन बाय वन। इसमें निकला है सामान, दैट इज स्विस ब्यूटी का है फराज का बॉडी वॉश। फराज ने बोला था बॉडी वॉश मंगवाने को, तो उसके लिए ये मंगवाया है लक्स। उसकी बॉडी तो बड़ी लुजुर लुजुर वाली है, ये देखो। तो ये है, और इसमें है एक काजल कलर बार का। मेरा काजल ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैंने कलर बार का मंगवाया। अभी तक लैक्मे का यूज़ करते थे, इस बार ये ब्रांड है। और वो वाले पार्सल में क्या है आई डोंट नो, लेट्स सी। तो थर्ड बॉक्स के अंदर निकला है ये लव अर्थ का कोलाजन बूस्टिंग टोनर। ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है अपने लिए, तो ये मैं भूल गई थी क्या है लास्ट वाले बॉक्स में। तो ये सारी मेरी चीज़ें हैं, और ये मेरे बॉक्सेस जो कलेक्ट हो रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कलेक्ट करना, और मम्मी को उतने ही बुरे लगते हैं। अब इसको छुपा के रखना पड़ेगा, वरना मम्मी तो सब फेंक देंगी है। और ये है मेरा सामान। चीज़ें नायका से मंगवाने पे महंगा पड़ेगा, और ये सब मैंने मिंत्रा से मंगवाया है, तो उससे मुझे अराउंड 200 का डिफरेंस आ रहा है।
ये मैं इसलिए कलेक्ट कर रही हूँ कि अगर कुछ किसी को गिफ्ट देना होता है तो घर पे ही मैं पैकिंग करती हूँ मोस्टली, उसमें काम आ जाता है, स्पेशली जब कोई डेलिकेट प्रोडक्ट हो और लोकल मार्केट से लिया हो तो वो लोग की पैकिंग इतनी अच्छी होती नहीं है। अभी सब ओपन करते हैं, चलो। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे आप लोग पिछले कई व्लॉग्स से देख के कुछ भी मुझे पर्सनली कमेंट्स सेंड करते हो, पर्सनली मैसेज करते हो उससे रिलेटेड, तो आई लव दैट। बट अगर आप वही कमेंट्स YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ट्राई करना कि वहाँ पे कमेंट्स लिख सकें आप लोग। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो चैनल ज़रूर ही करना है आप लोग को। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।